Seven secrets how to build muscle fast. फ्रेंड्स आज की वीडियो ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि बहुत सारे लड़के होते हैं जो खास करके कॉलेज के स्टूडेंट होते हैं ना वो लोग जिम जाते हैं अपनी फिजिक बनाने के लिए अच्छी बॉडी बनाने के लिए ना लेकिन क्या होता है कि वो लोग कुछ महीनों तक जिम करते हैं लेकिन उनके बॉडी में कोई भी रिजल्ट नहीं मिलता जिसकी वजह से वो लोग कहीं ना कहीं उदास हो जाते हैं निराश हो जाते हैं और बहुत सारे लोग तो जिम जाना ही छोड़ देते हैं उनको लगता है कि हमारे मसल्स कभी बन ही नहीं पाएंगे तो फ्रेंड्स अगर जो आपकी भी यही सोचे ना और आपको भी रिजल्ट नहीं मिलता ना तो इस वीडियो को एक बार पूरा जरूर देख ले क्योंकि ये बेस्ट वीडियो होने वाली है जिम तो आज के टाइम सारे लोग जाते हैं लेकिन है लगती, लगती, अच्छा है। तो है? है? है, फास्ट रिजल्ट मिलता है मैंने कई लोगों को देखा है वो लोग एक साल तक वर्कआउट करते हैं छह महीने तक वर्कआउट करते हैं उनके बॉडी में कोई मसल मास नहीं होता उनके बॉडी का साइज ही नहीं बढ़ता ऐसी क्या लोग गलतियां करते हैं तो फिर इस वीडियो में ना हम लोग सब कुछ कवर करेंगे बहुत डिटेल में तो हमारा सबसे सबसे पहला पॉइंट है कि आपको ना कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा यहां पर बहुत सारे बिगनर लोग गलती करते हैं क्या होता है कि समर वेकेशन पड़ती है या कहीं उनको कोई वीडियो देख लेते हैं तब तो उनको जोश आ जाता है तो लोग जिम जाते हैं बोलते हैं कि अब मैं भी ऐसी फिजिक बनाऊंगा बनाऊंगा ऐसी बॉडी लेकिन होता है कि कुछ महीनों तक तो हमको जोश रहता है या कुछ हफ्तों तक जोश रहता है उसके बाद ये हमारा जोश पूरा ठंडा हो जाता है शुरुआत में हमको रिजल्ट नहीं मिलता और इसका मेन कारण ये भी है कि हमारे पास उतनी नॉलेज नहीं होती ऐसा नहीं चलेगा कि आप लोग दो दिन जिम जा रहे हो तीन दिन आप लोग ऑफ ले रहे हो मसल बिल्डिंग और बॉडी बिल्डिंग की जो जर्नी होती है ना ये लॉन्ग टर्म की होती है तो यहां पर आपको डिमोटिवेट नहीं होना है जब तक यहां पे आप लोग टाइम नहीं दोगे ना तब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा आप कंसिस्टेंटली एक या दो साल आप लोग वर्कआउट करो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि आपको बढ़िया रिजल्ट मिलेगा प्रोवाइडेड जो मैं आगे स्टेप्स बताने वाला हूं उसको आप लोग सही से फॉलो करें डू प्रोग्रेसिव ओवरलोड फ्रेंड प्रोग्रेसिव ओवरलोड को ना बहुत ज्यादा लोग इग्नोर करते हैं लेकिन उसका बेनिफिट ना इमेंस मिलता है बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है बहुत सारे बिगनर भाई लोग को पता नहीं होगा कि प्रोग्रेसिव ओवरलोड क्या होता है तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ना आप लोग ग्रेजुअली धीरे धीरे ना अपने वेट्स को बढ़ाते हो मान के चलो कि आज आप ना पांच केजी के के डम्बल से आप बाइसेप्स कर्ल कर रहे हो ना अगले वीक या अगले हफ्ते आप लोग ना थोड़ा सा वेट को बढ़ाएं इससे क्या हुआ कि आपके मसल्स पर ना लोड पड़ेगा जब आपके मसल्स पर लोड पड़ता है ना तब उसको अडेप्ट करना पड़ता है उसको अपने आप ग्रो करना ही पड़ता है ऐसा बिल्कुल ना करें कि आज आपने पांच के जी के लोग से जी या के तो पर पहुंच जाओ ऐसा मत करो देखो बॉडी बनाने में ना कोई जल्दबाजी दिखाओ मत यहां पर जितना आप लोग पेशेंस रखोगे ना और जितना टेक्निक पर काम करोगे ना उतना ही आपको बढ़िया रिजल्ट मिलेगा देखो पांच से सात जाओ फिर से दस जाओ इस तरीके से आप लोग वेट को बढ़ाते जाओ आप

इंपॉर्टेंट प्रोटीन आपकी बॉडी ना मसल्स अच्छे से नहीं बना पाएगी तो मेक sure श्योर कि आप लोग ना अपनी डेली की प्रोटीन रिक्वायरमेंट को हिट जरूर करें केवल आप अगर जो अपनी प्रोटीन के रिक्वायरमेंट को भी हिट करोगे ना आपके बॉडी में बहुत बड़ा चेंजेस देखने को मिलेगा अभी मैंने कुछ लोग को देखा है वो लोग वर्कआउट अच्छे से करते हैं लेकिन उनकी प्रोटीन इंटेक नहीं होती ना जिसकी वजह से उनके बॉडी में चेंजेस दिखता नहीं है और मैं आपको हंड्रेड गारंटी दे रहा हूँ अगर जो आप भी ऐसी गलतियां कर रहे हो ना तो आप लोग वर्कआउट करते रहो आपको चेंजेस दिखेगा नहीं और जिस दिन आपने ना केवल वन मंथ के लिए आप लोग ट्राई करो कि अपने प्रोटीन के इंटेक को बढ़ाओ आपको देखना इतना पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिलेगा आपकी बॉडी का ना शेप बहुत अच्छा लगेगा आपकी बॉडी ज्यादा मस्कुलर दिखेगी जाना आपको कितना प्रोटीन लेना चाहिए ना ऑप्टिमम मसल ग्रोथ के लिए ना आप लोग से टू ग्राम पर केजी ऑफ यार बॉडी वेट रोजाना प्रोटीन लेना चाहिए इसका मतलब यह है कि अगर आपका वेट सत्तर के जी है ना तो आपको रोजाना वन प्रोटीन लेने की कोशिश करना चाहिए देखो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए तो ये चलता है ये मेरे साथ भी कई बार होता है तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बहुत सारे बिग्नर लोग को यह भी बहुत गलत फहमी होती है उनको लगता है ना कि हम लोग घर का जो दाल चावल होता है ना उससे हम लोग अपनी मसल्स को बिल्ड कर सकते हैं घर का खाना खाना बहुत अच्छी बात है लेकिन देखो अगर जो साधारण कोई व्यक्ति है ना नॉर्मल व्यक्ति के लिए वो दाल चावल काम कर जाएगा लेकिन लेकिन आप लोग ना मसल बिल्ड कर रहे हो ना तो मसल बिल्ड करने के लिए आपको प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी बिना प्रोटीन के आप लोग की मसल्स में ग्रोथ नहीं होगी लोगों को लगता है कि हमको अच्छी बॉडी बनाने के लिए ना हमको वे प्रोटीन सप्लीमेंट चाहिए तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है हाँ वे प्रोटीन हेल्प करता है मैं खुद पर्सनली वे प्रोटीन को यूज करता हूँ लेकिन आप लोग के पास में ना बहुत सारे ऑप्शन है वेज में आप लोग सोयाबीन पनीर दाल ले सकते हो और नॉन में आप लोग चिकन फिश एग मीट ये सभी चीजों को भी अगर जो आप सही से यूटिलाइज करोगे ना तो इजिली आप लोग अपनी डेली की प्रोटीन रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर सकते हो और मैंने देखा है ना लगभग आज के टाइम पे जो भी बंदा जिम जाता है ना वो लोग वे प्रोटीन यूज करते हैं क्योंकि वे प्रोटीन बहुत ज्यादा कन्वीनियंट है वे प्रोटीन फास्ट एब्जॉर्बिंग होता है हमारी बॉडी ना उसको बहुत जल्दी कर लेती है। और क्या होता है खींच है तो है। तो है तो लेते हैं है। तो है का अब वे प्रोटीन उन लोग के लिए भी अच्छा है जो लोग बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं जॉब करते हैं जिनको मील बनाने का टाइम नहीं मिलता तो वहां पर भी ना ये बहुत ज्यादा टाइम बचाता है आप लोग एक अच्छा हाई क्वालिटी का वे प्रोटीन भी यूज कर सकते हो सबसे पहली प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि आपने होल फूड आप लोग ना अपनी डेली की प्रोटीन रिक्वायरमेंट को पूरी करने की कोशिश करें उसके बाद अगर जो नहीं होता है तभी आप लोग वे प्रोटीन का सहारा ले सकते हो मैं जिस वे प्रोटीन को यूज करता हूं उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा डोंट ओवर ट्रेन मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जिनको जल्दी बॉडी बनानी होती है ना जल्दी मसल्स बनानी होते हैं वो लोग सोचते हैं कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग करेंगे तो हमारे मसल जल्दी ग्रो होंगे ये सबसे बड़ी गलत है आपको ना वीक में केवल दो बार ही अपने कोई भी मसल पार्ट को ट्रेन करना चाहिए बहुत सारे रिसर्च में भी प्रूवन है कि जो लोग नेचुरल होते हैं ना उनको हफ्ते में दो बार ही ट्रेन करना चाहिए करने से आपको भी एडिशनल बेनिफिट नहीं मिलता है, है। नुकसान होता है आपको जिसकी वजह से पूरी तरीके से रुक जाती है और मुझको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है।, ये भी बहुत जरूरी है ना कि अगर जो आप जरूरत से ज्यादा ट्रेन करोगे तो उसकी मसल की रिकवरी कब होगी रिकवरी होना भी तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना जब तक आपकी रिकवरी नहीं होगी ना तो आपके मसल्स ग्रो नहीं होंगे बहुत सारे लोग को लगता है ना कि हम जिम में हैं उस टाइम पे हमारे मसल्स की ग्रोथ होती है इस बात में कोई भी सच्चाई नहीं आपकी ग्रोथ तब होती है ना जब आप घर पे आके अच्छी डाइट लेते हो हाई प्रोटीन डाइट लेते हो और अपने मसल्स को अच्छे से रिकवर होने देते हो आप रिकवरी को बूस्ट करने के लिए ना आप सिंपल एक चीज़ को यूज़ करें कि रोज आप लोग ना मेक श्योर करें कि आठ से दस घंटे की नींद जरूर लें इतना भी कर दोगे ना आपकी रिकवरी अच्छी हो जाएगी प्रोवाइडेड दैट कि आप लोग डाइट्स ऐसे ले रहे हो उसमें हाई प्रोटीन इंक्लूड कर रहे हो क्योंकि प्रोटीन में अमीनो एसिड होता है जो आपके मसल्स की रिकवरी में हेल्प करता है उसकी मसल्स की ग्रोथ करने में हेल्प करता है जब आप रात को सोते हो ना तो आपकी मसल्स की रिकवरी तो होती है साथ साथ उसकी ग्रोथ भी होती है डोंट कंपेयर योर टू अदर अभी ये गलती ना बहुत सारे बिगनर लोग करते हैं वो लोग एडवांस लोग को देख के ना जिनको बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है

तो खुद भी ना अपना टाइम निकाल के जैसे मैं जिम से आता हूँ तो देखता हूँ कि मेरी बॉडी की प्रोग्रेस कितनी हो रही है कौन सा मेरा मसल पार्ट वीक है उस पर ज्यादा मैं फोकस करता हूँ कौन सा मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ये सब चीज़ों को मैं देख के एनालाइज करता हूँ देखो बॉडी भी बनाना होता है ना तो वहाँ पर भी थोड़ा सा दिमाग यूज़ करना होता है आप दिमाग लगाने की यहाँ पर ये बात नहीं कर रहा हूँ कि आपको किसी भी तरह का शॉर्टकट लेना है या फिर जो भी स्टेरॉयड वड यूज़ करना है अगर जो आपको कोई कॉम्पिटिशन नहीं खेलना ना तो आप लोग ये सब चीज़ से दूर रहोसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनके बॉडी में बहुत ज़्यादा फैट होता है और वो लोग अपने फैट को रिड्यूस करना

बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं ट लॉस करने के लिए आपको कैलोरी डेफिशिएट भी बहुत ज्यादा हेल्प करती है मेक शोर sure करें कि रोजाना आप लोग 200 से 300 कैलोरी का डेफिशिएट क्रिएट करें यह भी आपके ना फैट परसेंटेज को डाउन करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा कुछ महीनों तक तो आप लोग फॉलो करें डाइट पे थोड़ा कंट्रोल रखें साथ साथ मेक श्योर करें कि आप लोग वेट ट्रेनिंग भी रेगुलर करें फैट लॉस करने के लिए और साथ में मसल बिल्ड करने के लिए ना वेट ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इसको कभी भी इग्नोर ना करें अभी जो लोग बहुत ज्यादा दुबले पतले हैं उनको क्या करना चाहिए देखो अगर जो आप लोग दुबले पतले हो ना तो वहां पर आपको कैलोरी सरप्लस में जाना पड़ेगा अब यहां पर भी सेम चीज आप लोग ना

जाती है जो कि आपके लिए कहीं ना कहीं ठीक नहीं है डाइट लेते हैं, तो वहां पर क्या होता की होती है कोई भी फिटनेस बोलो, के जंग को करें। और ये सभी केवल एक से दो महीना आप लोग फॉलो करें मैं आपको गारंटी दे रहा हूं आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा तो फ्रेंड्स मिलते हैं अपनी अगली वीडियो